गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 21.2 करेंगे। इसमें देखिए, इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है और इसको देख करके हमने इनके आंसर देने हैं। ये बार ग्राफ है, ये इसमें क्या है देखो, ये मैक्सिमम एग्स इन क्लचेज ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर शोन इन बार ग्राफ। इसमें जो आपको ये दिखा रखे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये हॉरिजेंटल में ये आपको दिखा रखे क्रो, लिजार्ड, स्पैरो एंड वाइड बैग्ड वल्चर, और ये नंबर ऑफ एग्स इनके इनके क्लचेज में जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो ये हैं, ये वर्टिकल लाइन में दिखाए हुए हैं। अब इसको देख करके हमने ये जो बार ग्राफ बनाया हुआ है, इसको देख करके इनके आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो ये सबसे पहले देखो, ये विच बर्ड्स क्लच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स, कौन से बर्ड्स के क्लच में सबसे ज़्यादा एग्स हैं, अंडे हैं। देखो ये तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, एक तो इसकी है और एक इसकी है, इनकी सेम हाइट है, इनकी 5 तक जा रही है इसकी हाइट। तो ये सबसे पहले क्या है, ये क्रो, और दूसरा क्या है, ये स्पैरो है। ये तो ये क्रो एंड स्पैरो, इनके क्लचेज में सबसे ज़्यादा एग्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्रो एंड स्पैरो, ठीक है। और हाउ मैनी इज दैट, कितने हैं, सबसे ज़्यादा तो हैं, मैक्सिमम तो हैं, लेकिन कितने हैं, कितने, देखो ये इसकी हाइट कहाँ तक है, 5, ये नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक है इसकी हाइट, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसमें आ जाएगा 5, ठीक है। अगला देखो, ये रेप्टाइल्स क्लच हैव हाउ मैनी एग्स, जो रेप्टाइल्स है उसके क्लच में कितने एग्स हैं। रेप्टाइल्स कौन सा है, इसमें लिजार्ड है, ये लिजार्ड है, ये लिजार्ड, लिजार्ड के क्लच में कितने एग्स हैं। देखो ये इसकी हाइट कहाँ तक है, 3 तक हाइट है इसकी। देखो ये जो हाइट आ रही है ना, इसकी जो दिखाई दे रही है आपको, ये हाइट आ रही है 3 तक आ रही है इसकी हाइट, तो 3 एग्स है इसमें। तो क्या लिखा जाएगा, ये 3, इसमें आंसर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ठीक है। अगला देखो, ये वाइड बैग्ड वल्चर्स क्लच हैव डैश एग्स, ये बताना है वाइड बैग्ड वल्चर के क्लच में कितने आएंगे इसमें। देखो ये, अब इसमें देखो कौन सा है, वाइड बैग्ड वल्चर ये है, तो इसकी हाइट कहाँ तक है, देखो इसमें ये इसकी हाइट है 1 तक, तो इसमें 1 आएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 1 आएगा। देखो ये इसकी हाइट 1 तक ही आ रही है, इसमें कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1, ये इसका 1 आ जाएगा इसका, ये ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, देखते हैं ये लिजार्ड्स क्लच हैव डैश एग्स एंड लेस देन क्रो, ये बताना है लिजार्ड्स क्लच हैव एग्स लेस देन क्रो, क्रो से कम कितने एग्स हैं उसमें, ये बताना है। क्रो के कितने एग हैं, 5 हैं, और लिजार्ड के कितने हैं, 3 हैं, तो कितने कम है इसमें, तो 5 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, तो 2 एग लेस है इसमें। तो लिजार्ड के जो एग हैं वो क्रो से कितने कम हैं, 2 कम है इसमें। देखो इसमें 5 - 3 = 2, या 2 लिख दो इसको, 2 एग्स कम है इसमें, ये आ जाएगा 2 इसमें। ये आपका हो गया ये फर्स्ट सम। सेकंड सम इसी तरीके का है, आपने ग्राफ को रीड करना है और उसके आंसर देने हैं, वो आप खुद करेंगे आप इसको, ठीक है। अब उसके बाद आता है थर्ड सम। थर्ड सम में आपको दिया हुआ है, देखो इसमें बुक में देखेंगे सब बच्चे, इसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ऑन द ऑन ए बार ग्राफ। इसका आपको टेबल दी हुई है ये, ठीक है ना, इसका आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है। बार ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो ये आपको टेबल दी हुई है यहाँ पर, फेवरेट ब्रेकफास्ट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं और उनका जो फेवरेट ब्रेकफास्ट है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पराठा। पराठा कितने चिल्ड्रन से अच्छा लगता है, 14 चिल्ड्रन जो है वो उनको पराठा अच्छा लगता है। बॉयल्ड एग, ये कितने चिल्ड्रन को अच्छा लगता है, 16 चिल्ड्रन को अच्छा लगता है। हैं, और कॉर्न फ्लैक एंड मिल्क, ये कितने चिल्ड्रन को अच्छा लगता है, 20 चिल्ड्रन को अच्छा लगता है इसमें। ये सैंडविच, सैंडविच कितने बच्चे खाते हैं,
12, टोस्ट एंड बटर, टोस्ट एंड बटर ब्रेकफास्ट कितने खाते हैं 9। अब इनका आपने बार ग्राफ ड्रा करना है। देखो ये सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे हम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये लिख रखे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ लिखेंगे हम फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब ये जो आपने ये स्केल बनाना है इस तरीके से, आपने ये बिल्कुल इक्वल नंबर लेना, जैसे स्केल के ऊपर होता है इस तरीके से, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए इनका ही बिल्कुल। यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर लिख दिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, ये स्केल बना दिया हमने इसके ऊपर ये। अब इसमें सबसे पहला क्या था, इसमें पराठा, पराठा कितने चिल्ड्रन जो है उनको अच्छा लगता है, 14 चिल्ड्रन को। तो हम जो इसकी हाइट है, पराठे वाला जो बार है, इसकी हाइट कहां तक ले जाएंगे, 14 तक ले जाएंगे इसमें, ये 14 तक, हम इसकी हाइट यहां तक लेकर आए 14 तक, ये ड्रा किया जो हमने, 14 तक हाइट लाई है इसकी हम। उसके बाद जो आता है अगला आता है कौन सा आता है, ये बॉयल्ड एग, बॉयल्ड एग कितने बच्चे खाते हैं देखो, ये 16 चिल्ड्रन है इसमें, 16, तो यहाँ लिखेंगे हम बॉयल्ड एग। इसका बार बनाएंगे वो कहाँ तक जाएगा, वो 16 तक जाएगा, ये जो हाइट होगी इसकी 16 तक होगी इसकी हाइट, ठीक है, इसमें जो ड्रा करना है, ठीक है। अगला है कॉर्न फ्लैग एंड मिल्क। अब कॉर्न फ्लैग एंड मिल्क कितने बच्चे खाते हैं इसमें, 20 बच्चों को अच्छा लगता है, ये 20 चिल्ड्रन को अच्छा लगता है। तो इसकी जो हाइट जाएगी कॉर्न फ्लैग एंड मिल्क, इसकी हाइट कहाँ तक करेंगे हम, 20 तक करेंगे, ये 20 है, ये इस हाइट तक बनाया है हमने इसको, देखो ये इसके हाइट तक बनाया है हमने इसको, ये बार बनाया है हमने इसको, इस तरीके से ड्रा करना है। उसके बाद आता है सैंडविच, सैंडविच कितने बच्चों को अच्छा लगता है, 12, तो इसकी हाइट कहाँ तक की हमने, 12 तक की, जितने नंबर लिखे हुए हैं जितने चिल्ड्रन को अच्छा लगता है उसी हाइट तक हमने इसको ड्रा करना है इसको। उसके बाद आता है टोस्ट एंड बटर, ये टोस्ट एंड बटर है यहाँ देखो, ये कितने हैं, ये 9 बच्चे हैं जो इनको अच्छा लगता है, 8 यहाँ तक हो गया, ये 9 हो गया, तो यहाँ तक इसकी हाइट ली है हमने, देखो ये इसकी हाइट यहाँ तक ही है इसकी हाइट, आप देखोगे तो क्या हो गया, ये टोस्ट एंड बटर। तो इस प्रकार से आपने अपने ग्राफ पेपर में ड्रा करना है इसको, ये इस तरीके से करना है। थैंक यू।